खंडवा जिले की सबसे बड़ी सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और मजदूर की जान चली गई है। अभिषेक इंटरप्राइजेस कंपनी जो कि परियोजना बंकर में मेंटेनेंस टरबाइन फेस वन पर काम कर रही है, उसी कंपनी में काम कर रहे श्रमिक हरियम गुर्जर 27 साल का 8 अप्रैल को 8 मीटर की ऊंचाई से गिर गया था। गिरने के बाद उसे मुंदी CHC लाया गया था, जिसके बाद उसे खंडवा रेफर किया गया। यहां से उसे गंभीर अवस्था में इंदौर उपचार हेतु भेजा गया। इंदौर में निजी अस्पताल में बीती रात को करीब 11 बजे हरिओम ने अंतिम सांस ली। इससे दुखद बात यह है कि हरिओम के परिवार में पत्नी के अलावा एक 8 साल की मासूम बेटी और 1 साल का बेटा है। इसी संबंध में अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसी को लेकर के मुंदी थाने ASI मनोज सोनी को ज्ञापन सौंप कर उचित कार्यवाही की मांग की है। वहीं गुर्जर समाज ने कंपनी से पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता राशि और परिवार में से एक व्यक्ति को कंपनी में काम पर रखने की मांग की है। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। इस संबंध में ज्ञापन दिया इंडिविजुअल डोंगालिया में कार्यरत जो कंपनी है अभिषेक इंटरप्राइजेस जैसिंगपुर, उसमें एक मुंदी निवासी हरिओम पिता चंद्र सिंह गुजर करके लड़का था जो वहाँ कार्यरत था, और अभिषेक इंटरप्राइजेस की लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हुई है, जिस पे आज हमने अखिल भारतीय गुजर देवसेना के बैनर तले थाना प्रभारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि अभिषेक इंटरप्राइजेस पर गैर निर्वाचन हत्या का मामला दर्ज कर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और उचित जो भी कार्रवाई है वो करें और परिवार को न्याय दिलाएं। ऐसी कुछ मांगे है जो परिवार के लिए? परिवार में उस हरिओम के एक दीदी और दो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके सामने उनकी मृत्यु के कारण बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। तो हम कंपनी से यह मांग करते हैं कि उनको 50 लाख रुपए आर्थिक तौर पर राशि दी जाए और उनके परिवार से किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाए। ठीक, आपका नाम? राकेश कुमार देसला, जिला उपाध्यक्ष अखिल भारतीय देवसेना मुंदी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।